कुछ ऐसा पेपर में भाई कुछ नहीं है, जो रोजगार विद अंकित भाटी से पढ़ा ना वो है, उससे हल्का ही पेपर है, जो उनसे टेस्ट देते थे मॉक टेस्ट, उससे हल्का ही पेपर है, उससे भारी पेपर नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं, कहने कुछ भी कहो कुछ भी कहते रहो, जो अंकित भाई सर टेस्ट देते थे ना उससे हल्का ही पेपर, उससे कोई भारी पेपर नहीं, राहुल सर जो मैथ पढ़ाते थे उससे मैथ हल्का ही आ रहा है, कोई भारी नहीं, उन्होंने बहुत लेवल का मैथ पढ़ा दिया था, ये तो बहुत भारी पेपर दे रहा है बताया अंकित भाई, नहीं अंकित भाई सर का टेस्ट हार्ड रहता है, उससे बहुत हल्का आ रहा है, यहाँ तो बहुत ईजी आ रहा है, यहाँ तो ये इतने ए बी इतने में करते हैं, बी आया तो कितने दिन में करेंगे, कुल काम कितने मुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो सीजीएल लेवल का टेस्ट दे रहे हैं अंकित भाटी, तो अंकित भाटी सर का टेस्ट हार्ड रहता है, उससे आसानी पेपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया था, बढ़िया, कोई मौज लो आराम, तो कितने पेपर कितने क्वेश्चन कर गए तुम्हें तो बता जाओ, मैं तो भैया 75 कर दिए मैंने, 75 चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, मेरा इसमें हाँ 2:30-3:30 वाली में, तीन शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट में, 24 तारीख में, तो कैसा पेपर रहा तुम्हारा भाई? पेपर है, सही है पेपर, कोई हार्ड ना है, अच्छा, अरे जी भी ना है, बल्कि हम नोट मोडेट से भी कमाया पेपर, अच्छा, नो लगा लो, जो पढ़ने वाला है महापात्रा पूछा, जो उड़ीसा के हैं, अच्छा, खेलो खेल मंडल गेम का हुए, बर्गेम में हुए ये, अरे आपका महाराष्ट्र के उद्धव ठाकुर ने इस्तीफा दिया वो पूछा, अच्छा, एकनाथ शिंदे वाला आपका वो पूछा था, अनुच्छेद पूछा 160 से, छठा अनुच्छेद पूछा जो 150 से 168 है, पंजाब का मुख्यमंत्री पूछा, मतलब 11-12 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल बच्चा कर सकता, कर सके, थोड़ी हिंदी में दो तीन हिंदी पर्यायवाची जो हिंदी में अटका रहा, करण का करण ने बल्कि वैसा, दो तीन पर्यायवाची जो अटका रहे हिंदी थोड़ी वैसी, ज्योग्राफी का सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरे कुछ याद नहीं आ रहा, मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन है कि 17-18 तक आदमी जा रहा, दो क्वेश्चन आ रहे, चक्रवर्ती ब्याज उससे पूछा 8% दर से, उसका 131333 उसका आंसर है, इसके तरीके उसका आंसर आ रहा, टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, 15 मिनट छोड़ दी मैंने टाइम में, 15 मिनट छोड़ दी भाई मैंने आराम से, पर मेरा एक क्वेश्चन रीजनिंग में हुआ नहीं, उसका 58 आंसर आता, 2, 10, 30, 130 उसमें दूना करके 4 घटा रहा, तो 58 आंसर आएगा, पर भाई मैं लगा नहीं पाया, मतलब क्या है मुझे कन्फर्म ना, अरे ऐसी उसका पूछा आर्यभट्ट वाला पूछा, आर्यभट्ट वाला 1990 माह, उसका भी लगा नहीं पाया मैं कन्फर्म ना, ये दो लगा नहीं पाया, दो तीन क्वेश्चन, तो भाई तुम तो मजे में कलाकार लग रहे, जैसे कि इतना पिछली बार 76 नंबर है इसमें, अच्छा, जीडी में पिछली बार 76 नंबर है मेरे, मैं थोड़ा मेडिकल से आउट हूँ आई साइड की वजह से, इस बार मैं 72 कर गया, पर ये 65% मेरे सही है, इसमें 65% सही है भाई, क्वेश्चन पेपर बढ़िया पॉजिटिव आ गया तुम्हारी, हाँ भाई राज्य खुद ही पॉजिटिव प्रभाव लिख दुआ सर भाई, अब देखते हैं आगे क्या होगा, रिजल्ट आना ऊपर आना चाहिए, कांग्रेचुलेशन भाई है इतना बढ़िया पेपर करने के लिए, हाँ भाई बताओ क्या कुछ, हाँ भाई बढ़िया पेपर है बहुत बढ़िया, बताओ कोई क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन वायुमंडल से, हाँ अच्छा, हाँ कि बाहरी परत कौन सी हो, सबसे बाहर की परत, इकोनॉमिक्स से भी, हाँ सब बढ़िया, सबसे है क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से बताओ कोई क्वेश्चन, नहीं याद नहीं है, याद नहीं ना, नृत्य से, नृत्य से, हाँ बताओ कौन सा, उसका भरतनाट्यम का, भरतनाट्यम, हाँ कोई योजना, योजना से नहीं, शायद नहीं था शायद, हाँ ठीक है भाई सर, पेपर सही था, नॉर्मल था, थोड़ी सी मैथ्स जो है वो थोड़ी सी हार्ड थी, अच्छा, और जीएस के मतलब करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन थे, अच्छा भैया, और आपका बाकी रीजनिंग बढ़िया थी, तो टाइम की कोई दिक्कत हुई? हाँ टाइम तो देखो 80 क्वेश्चन है 60 मिनट है वो तो खिंचना ही है थोड़ा सा टाइम, तो दिक्कत मैनेजमेंट पड़ी हुई, हाँ बाकी कोई क्वेश्चन याद है आपके? क्वेश्चन तो मेरे ध्यान नहीं है, देखो इतना टाइम था नहीं, फोकस उस पर था पेपर पे, तो कितने टाइम कर लिए भाई तुमने? मैंने अटेम्प्ट किए थे 64 जी, अच्छा चलो ठीक है भाई धन्यवाद, क्वेश्चन याद है? है? कोई क्वेश्चन याद है? आज बहुत आसान क्वेश्चन आए 1500 अनुसूची कितनी है तो बारे सबको पता है, तो नॉर्मल कुछ कुछ भी बता दे, कोई भी बता दे, नृत्य भी आया था, कथक आया था, एक के बारे में पूछा गया था, अच्छा नृत्य के कलाकार, नृत्य कलाकार मतलब अलग अलग है सबके, वो तो क्वेश्चन है इतना ध्यान नहीं है किसका आया था, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन याद है? ज्योग्राफी से ठीक गया, जो भी गया इतने क्वेश्चन याद ना तो दिमाग से निकल गए, तो पेपर की कोई दिक्कत हुई? पेपर की दिक्कत हुई ना? पेपर कोई दिक्कत ना, सब बढ़िया, चलो ठीक है भाई, स्टार बन जाओगे तुम, पेपर बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुई इतनी ज्यादा, पेपर में हार्ड नहीं था, पेपर नहीं इतना हार्ड नहीं था पेपर, और ये बच्चे बता रहे हार्ड आ रहा पेपर, बहुत हिल रहा भी नहीं, आसान है भैया, बस पता नहीं आसान था ऐसा, शिफ्ट का आसान हो ऐसा हो सकता, अच्छा इसका ही होगा इसका आसान, हाँ जी जिसने पढ़ा होगा उसके लिए आसान है, 50 क्वेश्चन तो आगे करने लायक, और वही नहीं रहा, नहीं 72 क्वेश्चन कर गया था मैं, 72 कर गया है, हाँ जी, अच्छा उसमें गलत कितने हो सके? गलत होने की गुंजाइश कम है, कम है, तो तैयारी कितने दिन करी तुमने? 5 साल हो गए, चलो फिर तो भाई बढ़िया गया होगा, ठीक है भाई धन्यवाद, पेपर बहुत बढ़िया पेपर है, अच्छा। बस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कम हो रहा, तो टाइम मैनेज करना चाहिए, टाइम मैनेज करना चाहिए, वो भी रीजनिंग और मैथ में, हिंदी बहुत आसान है, हिंदी आसान है, 20/20 हो सके, मैं 20 ही करके आया हूँ पूरे, अच्छा। बस एक सवाल का थोड़ी दुविधा है, गलत भी हो सका है वो सही भी हो सका, अच्छा। है
बाकी सब सवाल जी एस में कितने क्वेश्चन कर सके? जी एस में भाई मैंने करे हैं 12 सवाल। 12 सवाल, कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री पूछा था। अच्छा। और 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे। अच्छा। वो कहाँ हुए थे? अच्छा। और क्या पूछा था? अनुच्छेद से आए थे 3 सवाल। जैसे सेकंड शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना बुझ गई थी, इसमें ऐसा कुछ ना आया? आया नहीं इसमें। खेलों से ज्यादा थे और एक डांस का था। डांस था? डांस वैसे ना था, मतलब सुजाता कुछ ऐसे नाम से कोई है ना, मतलब जिसने डांस करा है वो कौन से डांस से संबंध है ये बात। तो ओवरऑल पेपर हार्ड आया? इजी है पेपर? इजी है, जिसने रीजनिंग और मैथ में अपना टाइम बचा लिया उसका पेपर बढ़िया हो जाएगा। अच्छा, तो कितना मतलब कितने नंबर पे मिल जाएगा सिलेक्शन? सिलेक्शन भाई 65 नंबर। 65 नंबर? 65 तो यहाँ ज्यादा है, लोंडे तो 50 तो ही लेना सोच रहे हैं। अब यार ऐसे ना भाई, जैसा मेरा पेपर आया मैं तो उस हिसाब से बताऊंगा। 55 नंबर बताया। तुम भी देखा है भैया? मैं देखा। कैसा रहा भैया पेपर? बहुत अच्छा आया था, मतलब इजी था बहुत ही। मतलब अंकित भाटी जो मतलब उसमें मॉक टेस्ट रहते हैं ना, उनसे तो बहुत इजी था। अच्छा, हाँ जी, रीजनिंग भी बहुत इजी आ रही है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आ रही, उसमें टाइम टेकन सीरीज आ रही है बस, और तो कुछ ज्यादा है नहीं। तो टाइम मैथ ले रहा ज्यादा या वो ले रही मैथ? मैथ ले रहा। मैथ ले रहा? मैथ ले रहा। कितने क्वेश्चन बन सके मैथ में? मैथ में मेरे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए, 12 अटेम्प्ट मेरे 16 हुए, उसमें से 12 कर गया मैं। अगर कोई मैथ में 20 के 20 करना चाहे तो पूरा पेपर कवर कर लेगा वो? भाई पूरा नहीं होने का, जो कोई बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है वो तो कर ही लेगा। इतना बड़ा नेता कोई नहीं होता। हाँ, तो हमें भी 1 साल हो गया, हम हमारा तो वाणी हो। हाँ भाई, पर मतलब बहुत इजी आ रहा जहाँ तक। तो कोई क्वेश्चन याद है जीएस वगैरह का? जीएस वगैरह का अनुसूची आई थी, 11वीं अनुसूची, मतलब कौन सी थी? और खेल से कोई? खेल से खेल का ध्यान नहीं आ रहा, खेल का नहीं आ रहा। मैं तो अंकित सर से पढ़ा, अंकित शर्मा सर से। अच्छा, अंकित शर्मा? हाँ, भाटी नहीं? नहीं भाटी नहीं है, मतलब हमारे अंकित सर है, एक गोविंद सर है, सबसे बढ़िया अंकित सर शर्माते बहुत है भाई। सर्द ने कही? हाँ सर्द ने कही, बहुत ही तगड़ा हिसाब उनका है। देखे अंकित शर्मा चैनल भी चैनल है, एक में क्लासेस है भाई, एक में क्लासेस। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। और कोई देखा है बड़ा भाई? तुम देखा है क्या लगड़े? तुम होगा तो भाई, बच्चे जैसे कि बता रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, और अंकित भाटी भाई से जितने उन्होंने अभी पढ़ रखा उनका सिलेक्शन होना पक्का है, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। अंकित भाटी सर से पढ़ो और सिलेक्शन लो। धन्यवाद भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो।